दोस्तों संजय दत्त का बहुत ही बड़ा बयान आया है शाहरुख खान की फिल्म डंकी के ऊपर और उन्होंने शाहरुख खान से पंगा लेना बहुत ही महंगा बताया है। जी अंगज, उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान दो बहुत ही बड़ी फिल्में दे चुके हैं और इतनी बड़ी फिल्म देने के बाद भी कोई हीरो अगर शाहरुख खान से टकरा रहा है तो उनकी बहुत ही बड़ी गलती है। अभी के टाइम पर शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग है, दुनिया के किंग है, इंडिया के किंग है, इनसे पंगा लेना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो गाइस इतना बड़ा बयान संजय दत्त ने लिया है। और हम लोग फिल्म की बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म डंकी, बहुत दिनों इस पर चर्चा चल रही थी कि ये फिल्म पोस्टपोन हो जाएगी क्योंकि इसका VFX का काम नहीं चला है, लेकिन अब फाइनल हो चुका है कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी पोस्टपोन नहीं होगी, ये 22 दिसंबर को ही आएगी। और वहीं हम लोग प्रभास की फिल्म सलार की बात करें तो वो भी फिल्म पोस्टपोन होने का कोई नाम नहीं ले रही है, वो भी फिल्म बोल रही है कि मैं भी 22 दिसंबर को आऊँगा। तो इसी को लेकर जितने भी शाहरुख खान और प्रभास के फैन हैं ट्विटर पर या यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर चारों तरफ लड़ रहे हैं और कमेंट में बहुत ही भद्दे भद्दे गालियां दे रहे हैं। जो शाहरुख खान के फैन हो गए वो सलार को ट्रोल कर रहे हैं और सलार के जो प्रभास के फैन हैं वो डंकी के फिल्म के मेकर को ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, हमारे फिल्म के सामने ना आए। तो गाइस ये तो फाइनल हो गया कि दोनों फिल्म एक ही साथ में आएगी, लेकिन अब इसका टीजर कब आएगा ये देखने लायक रहेगा। इसके टीजर में किस तरह का हम लोग को इंटरटेनमेंट देखने को मिलता है, टीजर देखने से ही मालूम हो जाता है कि फिल्म कैसी है। तो देखते हैं इसका टीजर कब आता है। तो गाइस आप बताइए सबसे पहले तो ये कमेंट में, आपको इसके टीजर का वेट है या नहीं है, दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म देखने जाएंगे ये कमेंट में बताइए। आप शाहरुख खान के फैन हैं या प्रभास के फैन हैं ये भी बताइएगा। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे न्यू अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।